मुझे बहुत जोर से काटा, बहुत ही जलन थी मेरे। ये वाली ये देखे, इतनी जोर का काटा है इसने मुझे, देखे खूब। सो दोस्तों, सारी रात जो है बारिश लगी रही है, लेकिन अभी जो है ना मौसम फिर से गर्म हो गया। हवा तो चली है लेकिन बारिश का भी कोई मुझे सीन नहीं लग रहा। रात को जाने की सख्त बारिश हुई है कि ये टोकरियाँ जो है ना हमारी पानी जब फुल हो गई थी, फिर वो मैंने गिराया पानी। और अभी जो है ना गर्मी हो गई, गर्मी नहीं है लेकिन जो है ना धूप आई हुई है, तो बारिश हो रही है। लेकिन दिन को तब मज़ा है ना, रात को तो हम सोए हुए होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो उसके अलावा जो है ना सील मुर्गों को अभी गर्मी लगी हुई है भाई साहब, इतने मज़े का मौसम है तो मैं फिर भी गर्मी लगी हुई है माशाल्लाह से। हवा जो है ना मज़े की चलना शुरू होगी जैसी मैंने वीडियो में बोला। इनको जो है ना मैंने अभी अभी खोला, ये देखे नीचे से उठा उठा के फीड खा रहे हैं, तो ये जितनी खा सकते हैं खाए, वैसे भी पड़ी हुई है। सुबह सुबह हमारी देसी मुर्गी ने जो है ना फिर सारी नीचे फेंक दी थी, तो फिर दोबारा से मुझे उठा के रखनी पड़ी है। जो बच गई है वो ये खा रहे हैं। हमारी देसी मुर्गी जो है ना अंडा देने के लिए बैठी हुई है, और अब जो है ना थोड़ी देर हुई अंडा दे देगी। कल इसने अंडा मुझे पता है कहीं किसी के घर जा के दिया है, तो आज से जो है ना इसको अब घर भी रखेंगे। देसी मुर्गा तो भाग जाता है राजा, तो इसको जो है ना घर भी रखना है अब। उसके अलावा जो है ना हमारे लिटल डकीज को पहले खोला था, उनको रोटी भी डाली है, वो ये तो खा पी के फुल होए हुए हैं और अभी जो है ना रेस्ट कर रहे हैं। फीड सब की चेंज कर दिए मैंने, और पानी भी सब का चेंज कर दिया, तो सब कुछ जो है ना अब कल तक कोई चीज़ ज़रूरत ही है, खाली शाम के वक्त जो है ना सबको एक दफ़ा फीड डाल दूंगा। तो आज का जो काम है ना वो डन हो गया। उसके अलावा आपको पता है कि पिंजरा जो है ना काफ़ी दिलों से साफ भी किए, तो कल जो है ना इंशाल्लाह पिंजरा भी साफ़ करेंगे, क्योंकि आज जो है ना पहली फीड साफ़ कर करके जो है ना मेरी हालत ख़राब हो गई है। ये साल काम नहीं है फीड साफ़ करना, इसको बार बार लाओ ना, जो गंदी फीड होती है ना कचरा वगैरह वो ऊपर आ जाता है, उसको फूक एक तो फूक मारो बंदे को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, मुझे तो ज़्यादा चक्कर आते हैं। तो बस फिर मैंने साफ़ की और सबको डाल दिया। हमारा रेड आइज तो अभी तक खा रहा है। दोस्तों, उस दिन मैंने वीडियो में देखा कि लॉकीज का एक बच्चा जो है बहुत बड़ा और एक जो है ना बहुत छोटा है, तो मुझे तो शायद ही लगता है कि छोटा वाला सर्वाइव कर ले, अगर माँ बाप ने सही करके केयर की ना तो वो भी सर्वाइव कर ही लेगा। सो दोस्तों, मैं क्या करती हूँ, लव बर्ड ने जो अपना जो डोली का ढकना नीचे फेंका था ना, इसको उठा के जो है ना हम दोबारा से ये यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि इनको पता तो चले ये इनका घर है। इनको एक तो पता ही नहीं चल रहा ये इनका घर है, जा ही नहीं रहे बीच में। अब जो है ना इनको थोड़ा सा अंधेरी जगह मिलेगी तो शायद अंडे दे दें। और उसके अलावा रेंजर की फीमेल ने जो है ना पक्का अपने अंडे ख़राब कर दिए हैं। तकरीबन हफ्ता हो गई अपने अंडों पर बैठी नहीं है, सारे अंडे ख़राब है, और अंडे भी दो ही बचे हैं, बाकी सारी तोड़ के खा गई है। और लबड़ जो है ना अभी देख रहे अंदर से अपने घर को, वो देखें यहाँ से देख रहे हैं अंदर बाहर, तो यार इसी तरह अंडे देते हैं। पहले जो ढकना नीचे पड़ा रहता था, ये खेलते रहते थे। सो दोस्तों, हमारा सील मुर्गा और मुर्गा लिटल डकी जो है ना इस फुटबॉल से बहुत डरते हैं, इसको जो है ना मैं साइड पर कर देता हूँ, जब भी इसको देख के भागना शुरू हो जाते हैं। जा यार, जा ही नहीं थी, बार बार वापस आ जाती है। मुझे तो लगता है लिटल डकीज को ये वाला पिंजरा जो है ना पसंद आ गया, देखे किस तरह आराम से लेटे हुए हैं, उसमें जो है ना सही लेट नहीं सकते थे। उधर जो है ना हमारी देसी मुर्गी सही करके बैठी हुई है अंडा देने के लिए, जब ये अंडा दे देगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी जो है ना चाइना डक इनको रात को अंदर ले गया था, एक तो पिंजरा छोटा है, कहीं बिल्ली इन पर अटैक ना कर दे, अगर अटैक कर तो नहीं सकती क्योंकि पिंजरा काफ़ी छोटा है और वह उसमें जा भी नहीं सकती। बाकी अभी देखिए बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है इनको। हाँ भाई, क्या हो गया, वैसे कर रहे होंगे यार, उसको देख के ना तो ये डर रहे होंगे। हमारे दोनों लावाबर्ड जो हैं अभी अंदर चले गए, मैंने आपको बोला था अब जो है ना शायद ये चांसेस हैं कि अंडे दे दे, तो बस जिस दिन दिए तो उस दिन मैं भी खुश हो जाऊंगा, तो आपको भी खुशखबरी सुना दूंगा। और सुबह सुबह जो है ना मैंने अपनी बबलू गैंग को भी डाल दिए थे फीड वगैरह, और ये भी जो है ना अभी मज़े से फीड को खा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इनमें से एक को पकड़ता हूँ और उस डब्बे में जो है ना डालता हूँ, ताकि इनको पता चले अपने घर के, ये तो अंदर जाते ही नहीं है, जल्दी से जाना है, किसी को पकड़ के इसमें डालते हैं। दोस्तों, अभी जो है मैंने मेल को पकड़ के डाला है, पहले तो मैं फीमेल को हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पहले तो मुझे लगा कि ये नहीं काट सकेगा, और उसने बाद में जो है ना मुझे इतनी ज़ोर का काटा ना भाई साहब, बहुत जालिम फीमेल है ये। ये वाली फीमेल जो है ना छोटा सा जो नज़र आ रहा होगा ना सुराख, इसी ने किया ये, और ये वाला यहाँ पे हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, इतनी ज़ोर का काटा है ना भाई साहब, पहले मुझे डर ही नहीं लग रहा था, अभी जो उसने इतनी ज़ोर का काटा है ना, ये आम बंदे का काम ही है तोतों को पकड़ना, ये बहुत जोर का काटते हैं, ये जो है ना चलने पहले तो खून निकाल के छोड़ते हैं, तो जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं वही पकड़ सकते हैं, बाकियों ने तो रेट रखे हुए होते हैं, तो बाकी कोई बात नहीं, काटते रहते हैं। एक तो मुझे ये राकेश जी काटते, दूसरा जो है ना मुझे ये रेंजर की फीमेल ने नहीं काटा था, उसने इसने मुझे हल्का सा जो है ना बाइट किया था लेकिन काटा नहीं था।
सील मतलब जो है मुझे बड़े गौर से देख, मारेगा मुझे, मारेगा 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 मुझे। बाकी डरना कम हो गया, लेकिन अभी जो अभी भी जो है ना थोड़ा बहुत डरता है। एक तो जो है ना मेरा कैमरा पकड़ते वक्त मेरी आवाज़ होती है ना, अभी जू मिले बन जाती है। तो बाकी जो है ना कोई बात नहीं है, आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। उसके कील भी जो है ना माशाल्लाह से इतने तो हो ही गए, और कुछ ही दिनों में ज़्यादा बैठे तक बड़े हो जाएंगे सही। ये बड़े डांस कर रहे होते हैं, बबलू 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 आ जा तो देखे खुद ही आएगा। ए ची ये ची दोबारा बबलू प्यारा बबलू लाड दुलारा बबलू, करते क्या हो खाते क्या हो वापस चले जाते हो क्या। जा भाई बबलू माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो है हाथ वाला सीख गया, लेकिन जो है डरता बहुत है। बाकी रॉकी की फीमेल को जो है इनमें पता नहीं चलता यार, मुझे सही पता नहीं है कि मेल कौन सी है फीमेल कौन सी है, मैं तो तुक्के भी बताता हूँ। बाकी जो है मास्टर अपने बच्चों के पास बैठे हुए, वो देखे मास्टर का बच्चा जो है अपने बाप को तंग कर रहा है, वो देखे माशाल्लाह से मुँह निकाल के देख रहा है अपने बाप आपको तंग कर रहे। बाकी ये जो है सिक्योरिटी कर रहे अपने बच्चों की। तो मास्टर जो है सबसे अच्छा प्यार जब अब तक मुझे लगा है जो ये ब्रीड सही करते हैं। तो अगर हम पास में फ्यूचर में रखना भी हुआ ना प्यार जो ब्रीड के लिए, तो ये मास्टर जो सबसे पहले मेरे पास होंगे। दूसरे नंबर पर आपको पता है कि हमारे पास गैड आई भी है रॉकी भी है, लेकिन ये दोनों जो है ना एक तो मुझे तो लगता है इनकी या तो उम्र ज़्यादा है या तो जो है ना ये निकालती खाली दो ही एक बच्चे है। जैसे कि आपको पता है कि रॉकी ने भी जो है ना हम किसी दफ़े जो रॉकी के बाद से चार बच्चे निकाले थे, तो इस दफ़ा जो है दो निकाले, क्योंकि एक तो गर्मी भी थी एक चीज़ वहाँ लेते हैं, तो ऊपर से रेड एग जो है ना ये ज़्यादा नहीं निकालते दो ही एक बार। इस दफ़ा अभी दूसरे जो है एक ही बच्चा निकाला है जो बबलू की तरह होगा इंशाल्लाह, और दूसरे जो है दो नीचे रेड आइज है यहाँ पे। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीड आती है हमारे पास, तो अब जो है सर्दियों में ही आएगी। हमारे पास जो है ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, दो तीन ये हो गए हैं, चार तीन चार पाँच छः सात बच्चे जो है हमारे पास और आ गए हैं। बबलू गैन जो है ना छोटी पढ़ना शुरू हो गई है, उसकी लड़ाई बहुत होती है, तो मैं क्या करूँगा या तो हम कलोनी बनाएंगे, अगर वो ना बना सके तो जो है ना कुछ किसी को दे देंगे ताकि वो संभाले, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है ना आपस में लड़ते हैं, वैसे संभाल लेंगे तो हम भी संभाल लेंगे, देखेंगे नहीं तो कोई और छोटा केज लेंगे उसमें डालेंगे। देने वाली बात तो मुझे मुश्किल ही लग रही है, या कलोनी बना लेंगे। माशाल्लाह इतने क्यूट है ना, जब ये सर निकाल के देखते हैं इतने प्यारे लगते हैं, छोटा सा सर निकाल के देख रहे होते हैं। बाकी जो है ना देसी मुर्गी क्या कर रही है, नरम जगह बना रही है, इतनी नरम है और क्या नरम बना रही है जो है ना, ये भी पागल ही है। बाकी जो है ना काफ़ी दिन हो गए, बड़ मछली का चक्कर भी नहीं लगा, एक तो बिजी इतने ईद आपको पता है ईद है, मुझे लगता है ईद की वजह से जो है काफ़ी मार्केट बंद भी होगी, तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में यहाँ जब खुल जाएगी प्रॉपर मार्केट तो इंशाल्लाह विज़िट करेंगे, कोई चीज़ मिल गई तो लेंगे, वरना जो है ना कोई विज़िट कर आएंगे तो दिल खुश हो जाता है जाके। तो बाकी आज की वीडियो ये तक थी, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कल मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।